एवरीवन, दिस इज नीता एंड वेलकम टू माय चैनल कुक विद एलसे। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी मेथी के पत्ते की सब्जी की। काफ़ी मसालेदार होगी और काफ़ी टेस्टी लगता है ये। एकदम से अलग टाइप की रेसिपी होगी ये, और इसको आप चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं, लंच या डिनर में कभी भी बना सकते हैं इसको एज ए साइड डिश। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की रेसिपी मेथी के पत्ते की सब्जी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मेथी का पत्ता। बहुत अच्छे से मेथी के पत्ते को डंठल पार्ट से अलग करके उसको अच्छे से वॉश कर लिया 2-3 बार पानी से, और फिर इसको बारीक चॉप कर लिया। तो मेथी का ये पत्ता है, एक बंडल मेथी का पत्ता मैंने इसमें इस रेसिपी के लिए यूज कर रही हूँ। इसके बाद इसको आप वड़े बनाएंगे बेसिकली इसके। तो यहाँ पे मैंने इसमें बेसन ऐड किया एक छोटी कटोरी से, यानी कि ये 4 बड़ी चम्मच से ये बेसन है। और इसके बाद इसमें मैंने ऐड किया अजवाइन 1 छोटी चम्मच से। हाथों से रगड़ के थोड़ा सा रगड़ देंगे तो अच्छा सा फ्लेवर आता है इसका खुल के। मैंने अजवाइन ऐड किया 1 छोटी चम्मच से। उसके बाद इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे थोड़ा सा, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स करना है, बेसिकली बाइंडिंग लेवल लाना है। तो ये जो मेथी का पत्ता है इसमें पानी होता है, तो जैसे जैसे हम मिक्स करेंगे ना इससे पानी निकलेगा और इसी से ये बाइंडिंग लेवल आएगा। मतलब इसमें अलग से पानी डालकर और बाइंडिंग लेवल लाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से पानी नहीं डालें। ये मेथी के पत्ते का जो पानी होता है ना उसी से ये बन जाता है। तो यहाँ पे बेसन अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार डालें, मतलब बाइंडिंग लेवल आना चाहिए। तो पहले मैंने 4 बड़ी चम्मच से ऐड किया था तो मुझे कम पड़ा, मतलब बाइंडिंग लेवल नहीं आ रहा था, तो मैंने थोड़ा सा और ऐड किया, यानी कि 2 बड़ी चम्मच से और ऐड किया, 1/2 कटोरी, यानी कि आप देख सकते हैं कटोरी से मैंने लिया। तो टोटल यहाँ पे आप बोल सकते हैं 6 बड़ी चम्मच से मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक बाइंडिंग लेवल तक हमें ला देना है। अब क्या करेंगे, हाथों को क्लीन कर लेंगे और उसके बाद हाथों पे थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको ग्रीस कर लेंगे, ताकि इसका शेप जब हम बनाए ना फिर ये चिपके नहीं हाथों में। इसके लिए तेल ज़रूर लगाएं और इसको ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया था मेथी पत्ते का, इसका एक मनचाहा शेप दे देंगे। मैं यहाँ सिंपल सा शेप दे रही हूँ, सिलिंड्रिकल शेप इसको बोल सकते हैं, छोटा सा। तो आप यहाँ पे इसका गोल भी शेप दे सकते हैं या फिर चपटा शेप दे सकते हैं, टिक्की के जैसा, जैसे भी आपको पसंद हो वो शेप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल सा शेप दे रही हूँ, हल्का सा, इसको थोड़ा सा पार्ट लेकर के मिक्सचर का, और इस तरह से रोल कर लेंगे दोनों हथेलियों के बीच में, तो ये अच्छे से सिलेंडर शेप में बन जाता है। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे बना लिए। इसको अब क्या करेंगे, सैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैं आज यहाँ पे सैलो फ्राई कर रही हूँ कम तेल में। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन रखा गैस के ऊपर, फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इस पैन में तेल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ छोटी चम्मच से 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पे तेल ऐड किया। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, जैसे ही ये तेल गर्म होगा ना फिर इसमें ये जो हमने बना के रखे थे वड़े बोल सकते हैं इसको, इस तरह से इसमें ऐड करते जाएंगे। इसको ऐड करने के बाद इमीडिएट इसको नहीं पलटना है, इसको नीचे से पहले पकने देंगे बॉटम साइड से इसके, और उसके बाद इसको पलटेंगे। तो मैंने कुछ देर के बाद इसको जस्ट छलनी से टच किया तो ये इधर उधर खिसक रहा है, इसका मतलब नीचे से पक गया है। इसके निशानी यही है कि बॉटम साइड से पक गया है। जब भी इसको चलाने जाएंगे, इधर उधर करेंगे, इसको टच करेंगे तो ये खिसकने लगेगा, चिपकेगा नहीं, तो इसका मतलब ये पक गया है। तो इसको मीडियम फ्लेम पे क्रिस्पी होने तक हमें पका लेना है, उलट पुलट करते हुए अच्छे से लाल होने देना है। आप देख सकते हैं इस लेवल तक जैसा ये हुआ है, ये पहला बैच हमारा रेडी है। इसको क्या करेंगे, पैन से अब बाहर कर लेंगे, एक प्लेट में रखते जाएंगे। सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए दूसरा बैच भी हमें तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया, अब इसको भी बाहर निकालेंगे, फ्लेम को यहाँ पे लो कर देंगे और फिर इसको बाहर निकाल लेंगे। और जो ये पैन में तेल बचा है इसका इस्तेमाल हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में करेंगे। तो यहाँ पे पैन हटा के और फिर कढ़ाई रखेंगे सब्जी बनाने के लिए।
तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई रखा और इस पैन में जो तेल बची हुई थी ये करीब एक चम्मच के करीब है ये तेल, एक बड़ी चम्मच से, तो इसको भी मैंने इस कढ़ाई में ऐड कर दिया। इससे क्या होता है ना, ये सब्ज़ी और भी अच्छी बनेगी, क्योंकि इसमें जो मेथी जो हमने सैलो फ्राई की है, मेथी मिक्सचर, वो उसका फ्लेवर आ जाता है, तो उसको जब बच जाए आपका तेल तो उसको ज़रूर इस सब्ज़ी में ऐड कर दें तो काफ़ी अच्छा बनेगा। मैंने वो तेल यूज किया और उसके बाद थोड़े से 2-3 चम्मच छोटी चम्मच से और तेल इसमें ऐड कर दिया और इसके बाद इसको गर्म होने देंगे और इसमें ऐड करेंगे तड़का। तो यहाँ पे एक तेजपत्ता मैंने इस्तेमाल किया है तड़के के लिए, 2 से 3 लाल सूखी मिर्च और 1 छोटी चम्मच से जीरा। इसके बाद इसमें 2 से 3 हरी मिर्च कट करके लंबे शेप में इसको भी ऐड कर दिया तड़के के साथ। इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छा सा एक तीखापन आएगा, ये ग्रेवी जो बनेगी ना हल्का सा तीखा बनेगा, क्योंकि ये जो हरी मिर्च है ना इसको तेल में डालेंगे तो इसका जो तीखापन है, फ्लेवर है मिर्च का, वो चारों तरफ मिल जाएगा तेल में ऐड करने से, तो उससे जो बहुत ही अच्छा ये ग्रेवी बनेगा, उसका टेस्ट अलग ही आता है। तो मैंने 2-3 हरी मिर्च ऐड कर दिया, अच्छे से चटकने दिया तड़के को और फिर इसमें 2 प्याज ऐड किया। प्याज को अच्छे से भून लेंगे सॉफ्ट होने तक और उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। प्याज हमारा भून गया था इसलिए मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया 2 बड़ी चम्मच से। इस पेस्ट को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इस पेस्ट को, जस्ट उसको मिक्स कर लेना है प्याज के साथ, इतना ही करना है। इसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले। तो सूखे मसाले में मैंने सबसे पहले ऐड किया हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, 1 छोटी चम्मच से ऐड किया जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच से ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच से ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच से यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, बट ये ऑप्शनल है, अगर आप तीखा कम खाते हैं तो कम ऐड करें लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद 1 छोटी चम्मच से यहाँ पे ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद, मसालों को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है हमें, फ्लेम को लो ही रखें ये मसाले मिक्स करते समय। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरी, इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है अगर प्यूरी ऐड करें तो। तो मैंने 2 कच्चे टमाटर को जस्ट ग्राइंडिंग जार में ऐड करके मोटे मोटे टुकड़ों में कट करके और पीस लिया था, तो ये कच्चे टमाटर की प्यूरी है। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर की प्यूरी ऐड किया, साथ ही ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो अपने टेस्ट के अनुसार यहाँ पे नमक ऐड कर दें। और इसके बाद फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे लो से और उसके बाद इस सारी चीज़ों को फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाए उसके बाद इसको ढककर 2-3 मिनट के लिए हमें मीडियम फ्लेम पे पका लेना है मसालों को। तो यहाँ पे मैंने ढक दिया, उसके बाद मैंने ढक्कन हटाया, 2-3 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर फिर से चला लेंगे। आप देख सकते हैं ये जो ऑयल है वो सेपरेट होने लगा है मसालों से, इसका जो टमाटर वगैरह का पानी था वो भी ड्राई हो गया है पककर। तो यहाँ पे इस लेवल तक हमें मसालों को, इन सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेना है। जब ये पक जाए मसाले वगैरह, फिर इसमें ऐड करेंगे पानी ग्रेवी के लिए। तो मैंने यहाँ पे जस्ट 2-3 बड़ी चम्मच, अंदाजन आप ले लीजिए 2-3 चम्मच मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया, क्योंकि मुझे ग्रेवी थिक रखना है, पतला नहीं रखना है। बट अगर आप चाहें तो पतला भी रख सकते हैं ग्रेवी, अगर पतला रखना चाहते हैं तो फिर पानी ज़्यादा ऐड कर लें। पानी ऐड करने के बाद इसमें जो हमने बना के रखे थे वड़े, इसको ऐड कर देंगे मेथी वाले। ऐड करने के बाद इसको एक बार फिर से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से इसको ढक कर हमें कुछ देर के लिए पकाना है, ताकि ये जो सब्ज़ी है काफ़ी अच्छी बने और सारी चीज़ें एक साथ एक साथ पके और उसका एक अलग ही टेस्ट आता है। जब सारी चीज़ें लास्ट में डालने के बाद ढक कर कुछ देर पकाए तो उसका एक फ्लेवर अलग ही आता है। तो लास्ट में ये ज़रूर ऐड करने के बाद थोड़ी देर के लिए ढककर इसको छोड़ दें मीडियम टू हाई फ्लेम पे और इसको पकने दें। मैंने ढक्कन हटाया कुछ देर के बाद और ये पककर हमारा सब्जी बनके रेडी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी, बहुत ही मसालेदार ये बनती है सब्जी और काफ़ी टेस्टी लगती है। तो एक बार इस तरीके से मेथी पत्ते की सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करिएगा।
इसको आप चावल के साथ, जीरा राइस के साथ या रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगता है। इसको सर्विंग बाउल में अब निकाल लेते हैं। सो आई होप कि आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही रेसिपीज़ के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।